ठीक है ना, अल्टरनेटिव डेज से लग गया करेगी, एक दिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरे दिन रीजनिंग, ठीक है ना। आज अपनी रीजनिंग की क्लास हैगी, ठीक है। रीजनिंग अपने को की है, दो टाइप की होंगी हैगी, ठीक है ना। दो टाइप की रीजनिंग होंगी है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है ना। वर्बल और नॉन वर्बल जिहड़ी रीजनिंग है वो काफ़ी हद तक की है, जिहड़ा आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करांगे, है ना। मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसनों सिंपल लैंगुएज आप कह देने मैथ, ठीक है ना। जिहड़े छोटे छोटे मैथ के फॉर्मूले जिहड़े तुसीं 10th लैवल तक पढ़े होंगे है, ठीक है ना। कोई भी तुसीं होर भी कोई भी क्वांटिटेटिव एग्जाम देना है, कंपीटेटिव एग्जाम देना है, तो उस अपने को है ये काम आएंगे, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग तो बिना कोई भी कंपीटेटिव एग्जाम तुसीं क्लीयर नहीं कर सकते, तो इसलिए बहुत ये अपने को इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो जिहड़ी अपनी की हैगी रीजनिंग होगी, है ना, ये अपनी दो टाइप की है, तुम क्या कि वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग की है, उस अपने को है न्यूमेरिकल्स अल्फाबैट उन्होंने सीरीज हो गया, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, कोई लॉजिक फाइंड करना, इस टाइप न अपने को है अपनी वर्बल रीजनिंग होगी, ठीक है। और जी नॉन वर्बल रीजनिंग होंगी है, उस अपने को होंगे अपने को शेप्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, कि जिन्होंने आप है सॉल्व करना होंगे, मीनस कि कड़ा पार्ट कितने लगेगा, ठीक है। तो सब तो पहला आप है वर्बल रीजनिंग करांगे, ठीक है ना बेटा। लास्ट तक आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो आप वर्बल रीजनिंग करांगे, वर्बल रीजनिंग अपने को जी सब तो पहली चीज आएगी वो अपनी आएगी सीरीज, ठीक है ना। सीरीज, ठीक है ना, ध्यान करियो, सिर्फ इतने ही अगर तुम पढ़ लो, है ना, 40-45 मिनट तो सफिशेंट हैगी, ठीक है ना। लिखन नालों ज़्यादा बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए थोड़ा, ठीक है ना, कि मैं की बोल रहे हैं, ठीक है ना। इधर उधर मैं थोड़ा फिर कह रहा कि इधर उधर ना देखो, मेरी भी कंसंट्रेशन ब्रेक होंगी हैगी, ठीक है ना। तो सब तो पहला पार्ट अपना की होएगा सीरीज। सीरीज अपने को है ना कि आप टर्म्स लिखिया होनगियाँ कुछ, और टर्म्स अपने को है कोई एक टर्म की है कि मिसिंग होएगी, है ना। कोई एक टर्म की है कि मिसिंग होएगी, कि तो मिसिंग टर्म की है तुम्हें फाइंड करनी होएगी, ठीक है ना। उसनों सीरीज कंप्लीशन भी कह देंगे है, ठीक है ना। तो देखो एक छोटी जी एग्जाम्पल करते हैं, बहुत सिंपल जी, ठीक है, बहुत सिंपल जी एग्जाम्पल करांगे कि जिस नाल थोनों पता लग जाए। इससे तुसी ईजली दस सकते हो कि इतने फिलिंग दे ब्लैंक कितना आएगा, 10, है ना। तुसी ये 10 किवें फाइंड किया, हाँ, जिहड़ी चीज तुसी ये कह रहे हो ना कि दो दो का फर्क फाइंड किया, है ना। इस चीज नूं आपां की कह दिंदे आ लॉजिक, है ना। इस नूं आपां की कह दिंदे आ लॉजिक, ठीक है ना। कोई भी दो बंदे कन्वरसेशन कर रहे हैगे, है ना, कोई भी दो बंदे कन्वरसेशन गलबात कर रहे हैगे, है ना। तो एक दूजे ने कहता कि तेरी गल का कोई लॉजिक तो है नहीं, कोई तर्क तो है नहीं, ठीक है ना। तो आप ये कहने कि अपनी कोई भी आप गल कर रहे हैं ना, कोई भी कन्वरसेशन कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो जो आप बोल रहे हैं हर चीज़ मगर कि कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, है ना। हर चीज़ मगर कि कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, कोई तर्क होनी चाहिए है, ठीक है ना। मैं थोड़ा पढ़ा रहा है ना, तो इस मगर एक लॉजिक हैगा कि तुम आपका एग्जाम देना है, ठीक है ना। अभी थोड़ा वो तैयारी करवानी है, थोड़ा क्लीयर करवाना है, तो वो लॉजिक हैगा, एक वो तर्क हैगा, है ना। तुम हूँ मैं तुम्हें कहा कि मैं सीरीज लिख के दिना, तुम मिसिंग टर्म फाइंड करो, ठीक है ना। मैं सीरीज थोड़ा लिखती, तुम बहुत ईजीली की वो एक टर्म फाइंड करती, 10 लिखता, ठीक है ना। बट तुम वो फाइंड किवें किया, मेन मकसद अपना यह है कि तुम वो फाइंड किवें किया, ठीक है ना। मेन चीज़ की है कि तुम फाइंड किवें किया, जिस चीज़ को आप लॉजिक कहने हैं, है ना। लॉजिक की सी इस 2+2+, है ना। इसका लॉजिक की सी, थोड़े को कोई भी सीरीज है उसनों सॉल्व करने की है दो मैथड होंगे, की है एक तो पहला मैथड यह होएगा कि तुम उस सीरीज न पढ़ो, है ना, सिंपली पढ़ो, पढ़ते पढ़ते थोड़ू कि उसका आंसर आ जाऊगा, ठीक है ना। वो तो बिल्कुल सिंपल सीरीज होंगी जिम्मे आवली सीरीज सी, क्यों, क्योंकि जी कैलकुलेशन है ना बहुत लोअर लैवल की है, आप कह दिए कि 5th-6th लैवल की हैगी कैलकुलेशन, कि जिस नाल की है थोनू ये चीज़ पता लग गई कि इतने की दो दो का डिफरेंस है, तो इतने कि आ गया 10, ठीक है। बट जिहड़ियां उत्थे अपने को एग्जाम च सीरीज आनगियां ना, वो थोड़े हाई लैवल दियां होनगियां, तो आप इतों लॉजिक है जिहड़ा, है ना। मेन आप स्ट्रैस किस चीज़ पर देना, लॉजिक पर, ठीक है ना। कोई भी सीरीज है अगर तुम लॉजिक फाइंड कर लिया ना, दैट मीनस कि तुम सीरीज सॉल्व कर ली,
ठीक है ना, अगर तुसी ओदा लॉजिक फाइंड कर लेना तो तुसी ओ सीरीज सॉल्व कर ली, ठीक है। लॉजिक फाइंड करने नाल 90% सीरीज की हैगी सॉल्व हो जूगी, लॉजिक फाइंड करने नाल 90% सीरीज की हैगी सॉल्व हो जूगी, ठीक है ना। उस तो बाद थोड़े कोल की है, चार ऑप्शंस तो दित्तियां ही होनगियां, है ना, उससे तुसी इजीली दस सकते 10% काम थोड़ा उत्थों हो जूगा, ठीक है ना। तो इसलिए जिहड़ा आपां कहिंदे ने कि जोर लाउणा है, है ना, जोर भी इस तरीके नाल लाउणा। हुण अगर तुसी कंध नूं धक्का लाई जाओगे तो थोड़े जोर का कोई फायदा नहीं गा, ठीक है ना। कंध नूं धक्का लाया वह जोर का कोई फायदा नहीं गा। जिहड़ा आपां जोर लाउणा वह दिमाग नाल लाउणा है कि कित्थे आपां जोर लाइए कि मूवमेंट होवे, ठीक है ना। तुसी दिमाग च लाउणा बट उस ढंग नाल चलाउणा कि कित्थे चलाइए आपां, है ना, कि अपना सारा कुछ सॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर तुसी मैथ ध्यान नाल कीता ना तो थोड़ा जिहड़ा रीजनिंग वाला पार्ट है यह भी इदा सॉल्व हो जाऊगा, ठीक है ना। और यह आऊगा किस नाल, प्रैक्टिस नाल, यह आऊगा किस नाल, प्रैक्टिस नाल। हुण तुसी देखो जो तुसी फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे सीगे, पहले दिन जो तुसी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो थोड़े लत्तां च पेन हुंदा हैगा, है ना, दो तीन दिन पेन हुंदा हैगा, दो तीन दिनों बाद वो पेन खत्म होने लग जाता है, थोड़ा स्टैमिना वधन लग जाता है। तुसी अज ते फस्ट डे आपदे आप नूं कंपेयर करके देखो कि किन्ना डिफरेंस आ गया, है ना, किस नाल आया, प्रैक्टिस नाल, है ना, किस नाल आया, प्रैक्टिस नाल। तो उवें ये चीज़ भी, है ना, बस इत्थे थोड़ी फिजिकल प्रैक्टिस हो रही है, अज जिहड़ी आपां ये करांगे थोड़ी मैंटली प्रैक्टिस होएगी, ठीक है ना। देखो होर सीरीज मैं लिख देंगा, है ना, किन्ना आ गया इत्थे 36 आ गया, 36, है ना, क्लियर है, है ना। तो इत्थे लॉजिक की लग गया, नंबर का स्क्वेयर हो गया, है ना, इत्थे लॉजिक की लग गया, नंबर का स्क्वेयर हो गया। तो मेन मोटिव अपना यही है कि तुसी लॉजिक लभना हैगा, है ना, मेन मोटिव की है अपना कि तुसी लॉजिक लभना है कि लॉजिक की हैगा, ठीक है ना। अगर तुसी लॉजिक फाइंड कर लिया फिर थोड़ी सीरीज सॉल्व होगी। इत्थे तो मैं थोड़ा ऑप्शन भी नहीं दे रहा, है ना, थोड़ा कहना कि 90% वो होगा, 10% थोड़ा ऑप्शन नाल सॉल्व होगा, ठीक है। देखो ये अपना कितना आ गया 36, ठीक है। तो होर सीरीज में लिख रहा है, कोई गल नहीं बेटा, ऊपर लिख देना है, देखो औखा नहीं गा, इहदा लॉजिक थोड़े सामने लिखिया होगा, मैं उतो देख के ही सीरीज बनाई हैगी। मैं थोनू यही कह रहा कि तुसी लॉजिक लभो, है ना, लॉजिक लभो, जल्दबाजी नहीं, है ना, जल्दबाजी नहीं, इहनूं आपदी नोटबुक ते लिख के देखो, कोई गल नहीं, लिख के देखो। ये तो हले बहुत ज्यादा सिंपल लिख के दिती है, मैं थोनू थोड़े सामने ये आंसर लिखा पिया है। देखो ये कनैक्ट करो, ये कनैक्ट करो, आ देखो ना एक एक टर्म कंपेयर करो, वन सीगा कितना आ गया, जीरो, फोर सीगा कितना आ गया, फाइव, ठीक है ना। पहली टर्म देखो लॉजिक, फिर उस चीज ते मैं वापस आना लॉजिक। कोई भी सीरीज सॉल्व करनी है ना सीधा तुक्का मारन की बजाय, है ना, वो थोड़ा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जी, दो हो जाएंगे, दस हो जाएंगे, कई बार किसी के 100% तुक्के भी चल जाते हैं, ठीक है ना। बट आप एक जने नहीं पढ़ा, आप सबनों पढ़ा है, ठीक है ना, किसी का भी कोई डाउट ना रहे। तो लॉजिक लभो हर सीरीज की है, लॉजिक लभो कि लॉजिक की है, है ना। इस सीरीज अपने को लॉजिक की है,
एक्स स्क्वेयर माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन। पहली टर्म कितनी हैगी वन, है ना, वन का स्क्वेयर कितना उस वन कटाता कितना आ गया जीरो, फिर दो का स्क्वेयर कितना उस एक वधाता कितना आ गया, फिर अपने को तीन का स्क्वेयर कितना उस एक कटाता कितना आ गया अठ, है ना, फिर अपने को चार का स्क्वेयर कितना उस एक प्लस करता, ठीक है ना, यानी कि ए किस लिए अपने को ऑड नंबर्स ले और ए किस लिए है ईवन नंबर्स ले, ठीक है, ये अपना लॉजिक हैगा, ठीक है ना, ये चीज की अपनी लॉजिक, ठीक है ना, ये अपना लॉजिक हैगा, क्लियर है सबनों, ठीक है, पहला इस नु बेटा ध्यान नाल देखो, अगर किसी नु कोई भी डाउट है तो पहला आपका डाउट क्लियर करो बेटा, लास्ट तक किसी नु कोई भी डाउट है तो ये चीज पूछ लो। देखो बेटा की है, अपने को आ सीरीज हैगी, है ना बेटा, बोलो ना, बाकी बोलो ना, ठीक है ना, अपने को आ सीरीज हैगी, ठीक है, तो आप ये फिलिंग का ब्लैंक करनी सी, है ना, मैं फिर शुरू तो यही कहना कि कोई भी सीरीज है, सीरीज नु तुसी सॉल्व करना है, उस लई सब तो पहला उसका लॉजिक फाइंड करो, है ना, उसका लॉजिक फाइंड करो। हुण जिस तरीके नाल तुसी आवलियां दो सीरीज सॉल्व कीतियां सीगियां, है ना, तुसी आ सीरीज से 10 किवें लिखिया, तुसी क्या कि सारे च के दो दो दा डिफरेंस आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग तुसी 8 च 2 ऐड करता किन्ना आ गया 10, है ना, फिर तुसी आ सीरीज देखी, है ना, इस च मैं तुहानूं इह पुछिया कि इत्थे किन्ना आ रहा, तुसी क्या कि हर टर्म दा की हैगा स्क्वेयर हो रहा सी, है ना, नंबर दा की हैगा स्क्वेयर हो रहा सी 1 तो लैके, तो उस दे अकॉर्डिंग इत्थे की है 6 दा स्क्वेयर आ गया, ठीक है, तो उसे तरीके नाल कोई भी सीरीज है, हर सीरीज का अपना एक लॉजिक होएगा, है ना, हर सीरीज का अपना एक लॉजिक होएगा, ये तो बिल्कुल सिंपल जीआं सीगियां, ठीक है, एक मिनट ही एक करके, ठीक है, तो अपने को की हैगा आपां की कीता, फिर आपां एक होर सीरीज लिखी, मैं थोनू कहा कि उसका लॉजिक फाइंड करो, है ना, उसका लॉजिक फाइंड करो, जिवें तुसीं इस च कीता इस च कीता ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸਦਾ ਨਾ ਲੌਜਿਕ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਸਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਔਡ ਟਰਮਸ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਔਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ 1 3 5 7 9 ਹੈ ਨਾ ਈਵਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ 2 4 6 8 ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਡ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਟਰਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਵਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 1 ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਨਾ x ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਟਰਮ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ नहीं आई नहीं बेटा आई नहीं अपने कोल कोई भी नंबर है ना जिवें एक है एक का स्क्वेयर करता है ना फिर दो का स्क्वेयर करता तीन का स्क्वेयर करता है ना उसकी पावर दो दो करी जाने हर नंबर की स्क्वेयर मतलब यानी कि उसकी पावर दो करी जाने है ना मे बी शायद आप वर्ग कह दें है ना वर्ग कह दें है आवाज नहीं बेटा होर किसी ने कोई डाउट के मैंने पता तुसी 10th तक ही मैथ पढ़िया होगा मोस्टली स्टूडेंट्स ने है ना 10th तक ही मैथ पढ़िया हुआ होगा कोई गल नहीं अगर किसी दिक्कत है तो तुसी पूछ लो एक बार पूछो 10 बार पूछ लो के ना बट पूछ लो कोई कोई दिक्कत नहीं हाँ जी केड़ा आवली ठीक है ये अपने कोल की है ना ये सिंपल सीरीज लिखी हैगी है ना जिहड़ी अपनी रीजनिंग है ना और रीजनिंग दे कई पार्ट है जिवें उहदा पहला पार्ट की है सीरीज है
कंप्लीट द सीरीज कि थोड़े को एक ब्लैंक होएगी है ना, वो ब्लैंक नु तुसी कंप्लीट करना है, वो सीरीज होएगी कहना, तो वो सीरीज कोई भी सीरीज आप कंप्लीट करनी है ना, तो वो सीरीज नु कंप्लीट करने वास्ते अपने को की अपन एक लॉजिक चाहिएगा, कहना लॉजिक यानी कि पैटर्न कह लो उन्हें एक तरह, कहना एक तरह आप पैटर्न कह लो कि केड़ा पैटर्न है ना, फॉर्मूला कह लो जो थोनू समझ आता है ना, आप हर सीरीज नू कंप्लीट करने लई उहदा वह फॉर्मूला लभना है ना, इस कोई उवें नहीं हुंदा कि मैं थोनू एक फॉर्मूला दे दा उहदे नाल सारियां सीरीज हो जाणगियां, कहना ये चीज़ है जिहड़ी ये थोनू प्रैक्टिस नाल आऊगी, कहना प्रैक्टिस 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 बस, होर इसका कोई सल्यूशन नहीं गा, कहना प्रैक्टिस नाल ही तो कोई भी सीरीज है वह हर सीरीज की है तुसी एक लॉजिक लभना होगा, कहना वो लॉजिक अगर लभ गया तो थोड़ी 90% सीरीज कंप्लीट हो जूगी, 10% थोड़ा ऑप्शन नाल हो जूगा, कहना तो हूँ उवें जिवें आह सीरीज लिखी सी ना, ये सीरीज मैं क्यों लिखी क्योंकि ना इस तो पहला मैं थोड़ा आह लिख के दिती सी है ना, मैं ये लिखी ताकि तुसी इहदे नाल कनैक्ट कर सको, कहना तुसी इस नाल कनैक्ट कर सको और थोड़ा इसका लॉजिक मिल जाए, इसका लॉजिक की हैगा स्क्वेयर, कहना अगर तुसी आह चीज़ आऊगी थोड़ा पेपर च थोनू ये अगर ये समझ आ गई कि मैं स्क्वेयर कर ला नंबरस का है ना, तुसी स्क्वेयर करके ये सीरीज कोई भी सीरीज जी होगी है ना, रफ काम वास्ते जिवें अपने को पेज हुंदा है जां उसे क्वेश्चन पेपर ते है ना, तुसी इस दे नाल नाल ही की उपर स्क्वेयर लिख लियो 25 36 49 64, जो तुसी एक बार आ लिख लिए वही तो लॉजिक है ना, वही लॉजिक है, यही चीज़ थोनू प्रैक्टिस नाल आऊगी, कहना ये फॉर्मूला नहीं बेटा, कोई भी ये फॉर्मूला नहीं, ये प्रैक्टिस हैगी, प्रैक्टिस नाल आऊगी, हले अज फस्ट डे है, पहले दिन तुसी पढ़ी इन्ने हो है ना, पहले दिन नहीं, मैं नहीं कह रहा कि पहले दिन ही आ जाऊगी थोनू, हाँ जी हाँ 9 9 हाँ जी बेटा क्लियर है सबनों, होर किसी का कोई डाउट हैगा, ठीक है तो नेक्स्ट वाली सीरीज बेटा आपस से ना डिस्कस करो है ना, मेरे तो पूछ लो आपस से ना डिस्कस करो, आ देखो इत्थे कितना होगा, बेटा आवाज नहीं है तुम क्या ना, आवाज नहीं, चुप करके देखो जिन्ना तुम पूछे सिर्फ उसे दा आंसर, ये अपने को इत्थे कितना आ गया 19 19 है ना, इत्थे अपने को कितना आ गया 19 19, ये किस टाइप नाल आया, ये अपने को की लिखे गए प्राइम नंबर्स लिखे है ना, जिसनों आप अपार संख्यावां कह देने हैं कि जेडे अपने आप ते ही जाते होर किसी के टेबल ते नहीं जाते है ना, इन्हां नूं तुसी की है कदे भी वंड नहीं सकते, फैक्टर्स नहीं बना सकते तुसी इन्हां दे कदे भी है ना, तो यह प्राइम नंबरस होंदे हैगे के ना अपार संख्यावां, ठीक है अपार संख्यावां, तो 2 3 5 7 11 17 सॉरी 13 17 19 23 29 31, ठीक है ना, 31 तो बाद केड़ा होंदा हैगा 37 है ना, 37 तो बाद 41 43 47, ठीक है ना, इस टाइप नाल अपने को लगे कि ये चलदियां रहिंदियां हैगे, क्लियर है सबनों, ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर सीरीज हुण आवली सीरीज सी इस अपने कोल की लॉजिक की सीगा प्राइम नंबर है ना, इस अपने जिहड़ा लॉजिक सीगा वो की सीगा प्राइम नंबर, क्या इस अपने लॉजिक की है प्राइम नंबर, तो हर सीरीज का अपना अपना एक लॉजिक होएगा, क्या ना हर सीरीज का की है अपना अपना एक लॉजिक होएगा, आप लॉजिक फाइंड करना है, क्या क्लियर है बेटा, अगर किसी ना पता लग गया हो
ठीक है, तो हुण मैं तुहानूं बुक चो एक सीरीज़ लिख के दिना हैगा। बेटा नेक्स्ट सॉल्व करो। बेटा आवाज नहीं, मुंह नाल नहीं, है ना, हाथ से दिमाग नाल सॉल्व करना हैगा। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਲੌਜਿਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2, ਹੈ ਨਾ। ਇਸਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਰਮ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਟਰਮ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਕਿ ਨਾ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਮੈਂ, ਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਸ 'ਚ। ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਬਸ ਬੇਟਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਲਾਇਆ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। +1 -1 +1 -1 +1, ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 75। ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ, ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ, 90% ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲਿਖ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, +1 -1 +1 -1 +1, ਕਿ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 75। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ,
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਟਰਮਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈਨਾ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰਮਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਹ ਟਰਮਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 1 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਪਲੱਸ 1 ਕੀਤਾ ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਕੀਤਾ ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਨਾ ਕਿ ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੋਊਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 75 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ 150 ਹੈਨਾ 150 ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਨਾ 150 ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 149 ਕਲੀਅਰ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ x ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1 2 3 4 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ 1 2 3 ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਲਿਖੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 3 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 90% ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਰਮਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਆ ਟਰਮਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ ਹਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ ਨਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੈ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀ
अपार संख्या वाला जिहड़ा सब तो पहला लिखिया सी ओह की सी ओह कल्ले अपने कोल की है ईवन नंबर सीगे यानी कि दो दो ऐड करके हो रहा सी उस तो बाद लिखिया सी ओह की है कल्ला स्क्वेयर वाला ही सीगा कि कल्ली पावर दो दो करके अपने को सॉल्व हो रहा नहीं नहीं एक टाइम नाल आपां किवें पैटर्न फाइंड कर लांगे आ सारी आ चीज लिखी होगी ना आपां नूं उत्थे पेपर च हाँ जी बेटा पिछों कौन पूछ रहा सीगा यही चीज तो बेटा सीखनी हैगी यही चीज तो सीखनी हैगी है ना जे ये पक्का ही हो गया फिर तो इस नंबर सारे दी आ जाएंगे ठीक है क्लियर है हर सीरीज का पैटर्न की है अपना अपना होएगा कहना इधर बाई चांस दो सीरीज ऐ जी आ गया कि जिन्हें प्लस माइनस हो रहा सी केड़ा नहीं आ देखो ना 243 जी एक जोड़ के अपना 244 लिखता फिर इस चो एक घटावे है ना इस चो एक घटावे हाँ नहीं नहीं एक इधरों देख के आ लिख रहे हैं जोड़िया घटाया जोड़िया आए लिख लिया करो ना आए लिख लिया करो ना हर थान ते नहीं हर सीरीज दी अपनी अपनी होगी ठीक है क्लियर है हाँ जी बेटा क्लियर है सबनो देखो आ सीरीज हैगी है ना तो आ टर्म आप फाइंड करनी हैगी कहना आ टर्म आप फाइंड करनी हैगी क्या फिर वही चीज कि लॉजिक है ना लॉजिक फाइंड करना है तो मैं दस दें थोड़ा लॉजिक दस दें टर्म्स लिख लियो आंसर तुसी अपने आप फाइंड करियो कहना तो लॉजिक अपने को की आऊगा अपना क्या इसका एक्स क्यूब एक्स क्यूब यानी कि थोड़े को वन का क्यूब करो टू का क्यूब करो थ्री का क्यूब करो इतने ये नाल नाल लिखी चलो हर नंबर की पावर तीन तीन करके इतने नाल नाल लिखी चलो वन की पावर थ्री करके ये नीचे लिखो यही चीज़ तो लभनी है जे लभ गया फिर तो आंसर ही आ गया क्वेश्चन बेटा फिर मैं तुम कह रहा बोलो आवाज नहीं बेटा आवाज नहीं जो तुसी बोलते हो ना फिर वही चीज किसी पता नहीं लगती है ना वार बार फिर वही क्वेश्चन रेज होंगे है बेटा क्वेश्चन पेपर से थोनू की आऊगा आ चीज लिखी आऊगी है ना कहेंगे कंप्लीट द सीरीज कहते इतने थोनू चार ऑप्शन दित्तियां होनगियां क्या ना थोनू इतने दित्तियां होनगियां चार ऑप्शन तो जिहड़ी आ मैं थोनू दस रहा ना कि पावर दो करो पावर तीन करो इन दो नाल गुना करो है ना ये चीज तुसी लभनी हैगी प्रैक्टिस नाल पावर मैं थोनू कह रहा ना पावर तीन करो हूं तो मैं थोनू दसी इन्ना हैगा मैं थोनू की कह रहा एक दी पावर तीन करो दो दी पावर तीन करो लिखो ना कॉपी पेन चलाओ बेटा लिखो फिर चलाओ कितना 337 नहीं गलत है ठीक है आप पावर 33 कितनी एक कितना आ गया 1 8 27 64 125 216 343
300? हाँ 336 आऊगा आंसर। क्या ना 336 आऊगा आंसर है? हिट एंड ट्रायल हो तो तुक्का हो गया ना, पंजाबी ची सीधा आप कह लिया ਉਹ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਆਊਗੀ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10th 'ਚ ਵੀ ਮੈਥ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਟਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਟਪਾਇਆ ਮੈਥ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਂਸਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਕੋਈ ਐਡੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼? ਹਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬ ਕਰਨਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਆਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਆਊਗੀ। ਬੇਟਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ GK ਹੈਗੀ, GK ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੇਟਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ 2 ਦੀ ਕਿਊਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, 6 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੌਦੇ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਗੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਤਲਬ 2 × 2 × 2 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਵਰ 3 ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਪਾਵਰ 3 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1-1 ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਐਕਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਨਾ ਜੇ ਆਪ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਏ ਲਿਖਿਆ 2 × x ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਐਕਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਬੇਟਾ ਇਸ 'ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਗਈ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਗਈ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 × 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ 16 × 16 ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ 16 × 16 ਕਰ ਲਓ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰੋ
कि अगर तुसी अपनी स्पीड वधानी हैगी है ना, तो एक तो लैके 30 तक है ना, एक तो लैके 30 तक स्क्वेयर याद कर लो, क्योंकि ये तो 8वीं तक के जवाकों को अजकल सिखा देते हैं एक तो लैके 30 तक के ना। जे होर वड्डा नंबर भी आता है तो तुम उन्होंने तोड़ के कर सकते हो, जिवें पावर 4 आ गई तो उन्होंने तोड़ के तुम लिख सकते हो। हाँ जी बेटा, क्लीयर है सबनों? ठीक है, हूँ मैं थोड़ा होमवर्क लिए है ना, थोन 3-4 सीरीज लिख के दिना है कि ना, ट्राई करियो कि उन्होंने अपने आप सॉल्व करो के ना। तुसी लिख लो, आई लिख लो, कोई गल नहीं। तुसी ना ट्राई करना है कि इस दे ना आंसर, चलो वो थोड़े ते डिपेंड है, जिन्हें जेन्यून तैयारी करनी है वो दिमाग ला के सॉल्व करके देखियो, अद्धा घंटा पौना घंटा घंटा लग जाए क्वेश्चन ते कोई दिक्कत नहीं गी है ना। तुसी ट्राई करना है कि यदा लॉजिक फाइंड करो है ना, यदा लॉजिक फाइंड करो। कल नहीं, कल दूजी क्वान्टिटेटिव की क्लास लगेगी, परसों शाम नू नहीं लगती, कल